नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं संजीव कुमार। बिहार के बेगूसराय के इस गांव के लोगों ने एक बड़ा मिसाल कायम किया है, जिसे जान आप भी इस गांव के लोगों की सराहना करते नहीं थकेंगे। पूरी कहानी आपको बताएं उसके पहले आप जान लें कि यह मामला बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर प्रखंड के विक्रमपुर गाँव की है। दरअसल बेगूसराय में बाढ़ पीड़ित किसान की भैंस चोरी हो गई तो गांव वालों ने अनोखी मिसाल पेश करते हुए ना सिर्फ चंदा कर पीड़ित किसान को दो भैंस और एक भैंस के बच्चे को सप्रेम भेंट किया, बल्कि गाजे बाजे के साथ उसे गांव से विदा भी किया। आपको बता दें कि समस्तीपुर जिले के महेंद्रपुर गांव निवासी किसान राजीव कुमार के गांव में जब बाढ़ आई तो वह बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर प्रखंड के विक्रमपुर गाँव में भैंस के साथ शरण लिया, लेकिन 10 सितंबर को चोरों के द्वारा उसकी दो भैंस और एक भैंस के बच्चे की चोरी कर ली गई। इस घटना के बाद किसान मायूस रहने लगा। गांव वालों ने अपने गांव की बदनामी और किसान की हालत देखकर किसान की मदद करने का निर्णय लिया और सामूहिक रूप से गांव वालों ने चंदा जमा कर किसान राजीव कुमार को दो भैंस और एक भैंस के बच्चे को खरीद कर सब प्रेम भेंट किया। गाँव वालों ने भैंस और किसान को माला पहनाकर स्वागत किया और पिकअप पर डीजे बजाते हुए गांव में जुलूस के साथ किसान को भैंस के साथ विदा किया। गांव वालों की इस अनोखी पहल की अब सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। लोग गांव वालों की जमकर तारीफ कर रहे हैं कि गांव वालों ने बाढ़ पीड़ित की इस तरीके से न सिर्फ मदद की बल्कि एक मिसाल भी कायम किया है। पीड़ित किसान ने बताया कि गाँव वालों ने चोरी के बाद बहुत मदद की और अब चंदा जमा कर भैंस खरीद कर भी दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं किसान राजीव कुमार। भैंस खुल गया था रात में 10 बजे 10 तारीख को रात में चोरी हो गया। हम वहां पर पहुंचे तो हमारा भैंस नहीं मिला। गाँव का गांव समाज वासियों को हम गए प्रचारने के लिए भेंट करने के लिए तो बोला ठीक है हम भी चलते हैं साथ में, कहां है नहीं है सब अपना पता लगाए। थाना पर गए, थाना भी अपना कागज हमारा नहीं लिए केस। उसके बाद गाँव सब समाज बैठ कर हमको चंदा भेरी कर कर एक ठो भैंस दिए, एक ठो जितेंद्र सिंह ने दिए जीतो बाबू ने और एक सोनू बाबू ने बाछी हमको दिए लेकर। समाज ने चंदा करके हर बात विचार करके स्वागत करके हम लोगों को यहाँ से विदा कर रहे हैं। गंगा नदी में बढ़े जलस्तर के कारण महेंद्रपुर के कुछ किसान हमारे विक्रमपुर गांव में शरण लिए हुए थे। 10 अक्टूबर की रात उनकी भैंस चोरी हो गई। उनका कहना था कि उनका दो भैंस चोरी हो गया है। उनके दुख को देखकर हमारे विक्रमपुर के लोग काफ़ी दुखी हुए और हम लोगों ने निर्णय लिया तमाम ग्रामवासियों ने कि उन्हें खरीद के भैंस दे दिया जाए। उसके बाद हम लोगों ने चंदा किया, घर घर जाके चंदा किया, लोगों ने काफ़ी सहयोग किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें दो भैंस, एक भैंस का बच्चा और एक बछिया चंदा से खरीद कर दिया गया।